नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो में जो अभी लेटेस्ट आपके पास मैसेज आ गए होंगे, कुछ लोगों के पास नहीं आए हैं, उन लोगों के पास आ जाएंगे। क्या है ये पॉलिसी, आप पर हम पर इसका क्या असर पड़ेगा और आगे वीडियो में जानेंगे व्हाट्सएप वर्सेज सिग्नल वर्सेज टेलीग्राम, क्या सिग्नल टेलीग्राम बेटर है या व्हाट्सएप, कौन सा बेटर है, कौन सा सेफ है, ये आगे इस वीडियो में जानेंगे। पूरी वीडियो में आसान भाषा में समझने वाले हैं इस पॉलिसी के हाइलाइट्स को। प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर दें, ऑलरेडी किया है तो तहे दिल से शुक्रिया। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर अभी तक क्या हमारी जानकारी जो है व्हाट्सएप को हम शेयर करते हैं। सबसे नंबर वन है आपका मोबाइल नंबर, उसके बिना आपका अकाउंट नहीं बनता व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो सेकंड है वो आपका प्रोफाइल नेम, आपका नेम जो भी आप डालते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर बात करें तो नंबर, नेम, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस देते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के पास बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा नहीं होता, आप माइक रिकॉर्डिंग आप अलाउ करते हैं, इमेजेस गैलरी अलाउ करते हैं। लेकिन अब जो एडिशनली न्यू पॉलिसी अपडेट में ये आ गया है कि आपके फ़ोन का कौन सा हैंडसेट है, किस नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं, क्या नेटवर्क कनेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या बैटरी लेवल है, किस लोकेशन पर है, ये सारा डेटा भी एक्सेस किया जाएगा। यानी कि ये सारा कैप्चर होगा, मॉनिटर होगा, व्हाट्सएप इस डेटा को यूज़ कर सकता है। ये सब चीज़ें आ रही हैं, आगे डिटेल्स इसमें जानेंगे, साथ में लैंग्वेज भी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर इनसे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आगे एक बार बेसिक सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम तीनों के मालिक एक है, मार्क जुकरबर्ग जी, ठीक है, तीनों को ये चलाते हैं, इनका पैसा इनके पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल, यूट्यूब, गूगल एड्स, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, लोकेशन जिसको बोलते हैं, जीमेल, ये सब हैं गूगल के। यानी कि गूगल के साथ में ये सब अटैच है ये कंपनीज, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब अलग अटैच है। समझ गए आप, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फेसबुक जो है वो चाहता है कि गूगल को कम्पीट करे हर तरीके से, इसलिए अभी ये मार्केट में नई पॉलिसी ला रहा है। व्हाट्सएप की अगर बात करें तो 2014 में फेसबुक ने इसको टेक ओवर किया, खरीद लिया था लगभग 1 लाख करोड़ यानी कि $19 बिलियन में फेसबुक ने इसको टेक ओवर किया व्हाट्सएप को। उसके बाद अगर हम सालाना बात करें तो फेसबुक का जो कमाई है, प्रॉफिट है, इनकम कह सकते हैं, वो 5 लाख करोड़ के आसपास है। अब फेसबुक के साथ क्या हो रहा है, इसको टेक ओवर करने के बाद, खरीदने के बाद भी उसके जो प्रॉफिट है, उसकी जो इनकम है, उसके अंदर व्हाट्सएप का जो योगदान है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि व्हाट्सएप की वजह से उसको जो इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा, तो मार्क जुकरबर्ग जी को लगा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि इसको परचेज करने का मेरे को बेनिफिट मिले, इसलिए नई पॉलिसी लेके आए, आगे हम डिस्कस। अब जो हम आपको बताते हैं कि YouTube पर जो ऐड आती है, सबको लगता है कि किसी भी यूट्यूबर को जो इनकम होती है, YouTube पैसा देता है। YouTube जो है एक रुपया नहीं देता, पैसा देता है गूगल। जी हाँ, गूगल प्रचार लाता है, गूगल पर प्रचार आते हैं, एड्स आते हैं, गूगल जो है गूगल एडसेंस से यूट्यूब को वो एड देता है और यूट्यूबर को पैसा गूगल एड्स देता है। इसी तरह फेसबुक भी चाहता है कि फेसबुक पर जो एड्स आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो प्रचार आए और वो उनका रेवेन्यू बढ़े। समझ रहे हैं आप, यूट्यूब के लिए ऐड कौन ला रहा है, पीछे से पुश कर रहा है, गूगल एडसेंस के थ्रू। बट यहाँ फेसबुक के पास वो सोर्स वो है नहीं धरातल पर। अब फेसबुक का इस मामले में अगर देखें तो बहुत कम है एड्स, इसीलिए गूगल मार्केट में अच्छा, एडवर्टीजमेंट में अच्छा काम कर रहा है। गूगल के पास बहुत ऐड आते हैं, फेसबुक के पास बहुत लिमिटेड ऐड होते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो एड्स लाए, प्रचार लाए, यानी कि प्रचार आए, प्रचार कहाँ होगा, फेसबुक पे, लाएगा कौन, व्हाट्सएप। ये उनकी पॉलिसी है, ये उनके दिमाग में है। समझ रहे हैं आप उनका कॉन्सेप्ट आगे का, रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू। अब हम समझते हैं यूट्यूब पे जब आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमसे रिलेवेंट ऐड आता है। यानी कि कोई फार्मिंग चैनल है तो आपको उसके ऊपर फार्मिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कह लीजिए, या फिर कोई टीलर है, कोई ट्रैक्टर है, इस तरह के एड्स मिलेंगे, या कोई फार्म के लिए मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, या कह सकते हैं कोई स्प्रे, इस तरह की दवाइयों के, इस तरह के आपको मिलेंगे। कोई किड्स चैनल है, किड्स टॉयज रिलेटेड आपको ऐड आएंगे, फर्स्ट क्राई या कुछ भी ब्रांड का आ सकता है, टॉयज का चैनल है तो। फूड ईट चैनल है, उस पर खाने के ऐड, इस तरह के रिलेवेंट एड्स आते हैं उस रिलेवेंट टॉपिक पे, कह सकते हैं रिलेवेंट चैनल पे, यूट्यूब पर। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे काम कर रहा है गूगल। आप कभी भी जाके गूगल पे कुछ सर्च कीजिए कि मैं कुछ भी खाने के लिए सर्च कर रहा हूँ, इडली या फिर बिरयानी सर्च कर रहा हूँ,
नियर बाई बिरयानी नियर बाई में, थोड़ा टाइम बाद आप देखेंगे कि यूट्यूब पे जब आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको बिरयानी से रिलेटेड चीजें दिखाई देने लगेंगी। मतलब आपने गूगल पे सर्च किया तो वहां भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूट्यूब पे आपको कंटेंट कहीं ना कहीं शो होगा। अब फेसबुक ने रिसर्च किया कि ऐसा क्या है कि यूट्यूब पर गूगल पर कह लें तो एड बहुत ज्यादा है, हमारे पास कम है और हमारी रिलेवेंट नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे फेसबुक पे वीडियोस पे ऐड आते हैं, जाने मर्जी किस तरह का भी ऐड आ जाता है, आपसे रिलेवेंट है नहीं है कोई मतलब नहीं, बस ऐड आ गया जबरदस्ती आपको स्किप करना पड़ता है। कभी कभार तो लैंग्वेज भी इंग्लिश में आ रहा है, मैं हिंदी बंदा हूँ गांव का, मेरे को आती नहीं इंग्लिश, और इंग्लिश में मेरे को फेसबुक कोई वीडियो पे ऐड दिखा रहे हैं, क्या मतलब उस चीज का। इन्हीं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एड्स ज्यादा लाने के लिए, प्रचार ज्यादा लाने के लिए फेसबुक जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ला रहा है। आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आता जा रहा होगा। फेसबुक ने रिसर्च किया कि यूट्यूब के पास इतना एकदम रिलेवेंट कंटेंट कैसे आ रहा है। तो जैसे ही हम आप देखेंगे कोई भी यूट्यूबर, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, ये हर कोई इस प्रोसेस से गुजरता है। मैंने एक वीडियो अपलोड करना है, सबसे पहले मैं एक टैगलाइन देता हूँ, उसकी एक मेन टाइटल देता हूँ, उसमें मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ व्हाट्सएप वर्सेस सिग्नल वर्सेस टेलीग्राम, इससे रिलेटेड वीडियो है। नीचे हैशटैग्स लगा के टैग्स भी देता हूँ, फिर मैं ये भी क्लियर करता हूँ ये वीडियो किड्स के लिए नहीं है, एज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी तरह का, मेरे पे अडल्ट कंटेंट नहीं है इस वीडियो में, ये सब मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ वीडियो अपलोड होने से पहले यूट्यूब को, यानी कि यूट्यूब के पास मेरे डेटा चला गया है ये वीडियो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस एज ग्रुप के लिए है, किस लैंग्वेज के पीपल के लिए है। साथ में अगर मैंने थंबनेल भी लगा दिया उस पर भी मैंने कुछ इस तरह का लगा दिया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, एल्गोरिथम कह लीजिए, यूट्यूब ने ये ऑब्जर्व कर लिया, ये फील कर लिया जो मेरी पोस्ट है यूट्यूब की, ये वीडियो अपलोड है किस कैटेगरी का, वो उसी तरह का गूगल एडसेंस जो है गूगल उसी तरह का उसी कैटेगरी का मेरे इसको इस यूट्यूब चैनल पे ऐड देगा। यही सब चीजें करने के लिए व्हाट्सएप जो है अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहा है फेसबुक व्हाट्सएप को। अब नई पॉलिसी में सबसे पहली चीज आपसे व्हाट्सएप जो है एक्सेस, आपका डिवाइस एक्सेस मांग रहा है, कौन सा हैंडसेट यूज कर रहा हूं मैं। देखिए इससे वो क्या करना चाह रहा है, बेसिकली फेसबुक जो है इससे ये करना चाह रहा है कि यूजर की एक क्लास का पता लग जाएगा। मान लीजिए मैं आईफोन यूज कर रहा हूं तो जब भी मैं व्हाट्सएप से डेटा चला जाएगा कि भाई ये यूजर जो है आईफोन यूज कर रहा है, फेसबुक जो है जब एड्स प्रचार दिखाएगा थोड़ा सा रिच क्लास वाले दिखाएगा, या आईफोन वाला बंदा मतलब थोड़ा सा रिच होगी क्लास, मेरे को बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऐड आएंगे, समझ रहे कहां लिंकेज है। दूसरा वो मेरे से लैंग्वेज मांग रहे हैं, किस भाषा को मैं यूज कर रहा हूँ, चैट्स करता हूँ किस भाषा में, लैंग्वेज में। अभी तक ये नहीं पता होता व्हाट्सएप को कि मैं किस लैंग्वेज में बातें कर रहा हूँ, ऑल्दो उनकी मशीन को पता होता है बट व्हाट्सएप को नहीं पता कि मैं किस लैंग्वेज में चैट। अब मेरी लैंग्वेज एक्सेस से लैंग्वेज से वो क्या करेगा, फेसबुक को बताएगा ये जो बंदा है ये हिंदी वाला बंदा है, इसको तमिल का कोई ऐड दिखा के कोई फायदा नहीं है, या तमिल में कोई चीजें दिखा के, ऐसा होता नहीं है ना। यूट्यूब पे आप कभी भी जाते हैं आप हिंदी जनरली यूज करते हैं, मेरे को कभी भी मैं जब नीचे ब्राउज करता हूँ वीडियोस मेरे को कभी कोई तमिल में साउथ तेलुगु कोई किसी तरह की नहीं दिखाई देती है वीडियो, इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि किस लैंग्वेज को यूज करता है बंदा, किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देता है। वही सेम काम अब व्हाट्सएप करेगा, आपकी लैंग्वेज एक्सेस से फेसबुक को डेटा देगा, फेसबुक आपको प्रचार भी उसी भाषा के दिखाएगा। भाषा को एक्सेस करेंगे, आपके हैंडसेट को एक्सेस करेंगे, जियो की यूज कर रहा हूँ, बीएसएनएल एयरटेल, ये भी आपके नेटवर्क को भी एक्सेस किया जाएगा। साथ में अगर अब हम बात करें लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा, लोकेशन से क्या होने वाला है, व्हाट्सएप मैं नारनौल में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मैं उदयपुर जा रहा हूँ, जैसे उदयपुर के व्हाट्सएप फेसबुक को देगा कि ये जो दीपक है ये अब पहुंच गया उदयपुर। अब क्या करेगा फेसबुक, मेरे को एड जो प्रचार देने शुरू कर देगा होटल्स इन द उदयपुर इससे रिलेटेड, कैब सर्विसेज, प्लेसेस नियरेस्ट टू उदयपुर, बेस्ट होटल, टैक्सी सर्विसेज, मतलब जो भी उसके पास प्रचार ऐड होंगे उस एरिया से रिलेटेड, उस लोकेशन से रिलेटेड, वो प्रेफर करके मेरे को देगा। ये बेनिफिट होगा, मेरे को लगेगा यार मेरे से रिलेवेंट है फेसबुक तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। यही वो चाहता है कि लोगों को लगे एड्स रिलेवेंट हैं और लोग एड्स ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारे पास एड्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, समझ रहे हैं। व्हाट्सएप हम काम का लोग डर रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 90% से ज्यादा यूजर इसको एक्सेप्ट कर देंगे, कोई किसी तरह का कोई प्राइवेसी ठीक है वो बोल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि देखिए ये सब चीजें ऑलरेडी गूगल भी एक्सेस करता है, हमारी लोकेशन, हमारी हिस्ट्री, हमारी सारी चीजें गूगल करता है ऑलरेडी, ट्विटर ऑलरेडी आपके हैंडसेट की इन्फॉर्मेशन लेता है, नीचे आता है ना ट्वीट फ्रॉम आईफोन, ये सब पहले से और बहुत सारे ऐप कर रहे हैं, ये सिर्फ डर रहे हैं हम लोग। होगा क्या, ये एक एजेंडा है फेसबुक का रेवेन्यू को बढ़ाने का,
और कोई मकसद इसमें नहीं नजर आ रहा है जितना मैंने इसको पॉलिसी को स्टडी किया है। डिटेल से आप पॉलिसी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पॉलिसी 12 पेज की है, 12 पेज की, जिसमें डिटेल से लिखा है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो स्पेशली पॉलिसी के ऊपर अलग से बना दूंगा। बात करते हैं सेफ्टी की, क्या व्हाट्सएप सेफ है, या बाकी अदर एप्स की बात करें, सिग्नल और टेलीग्राम, उनके बारे में जान। देखिए व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग से आज तक आपने पढ़ा होगा, योर चैट इज सेफ एंड सिक्योर विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, बहुत आसान है, समझ लेते हैं। मैं ए पर्सन, मैंने एक मैसेज भेजा बी पर्सन को, मैंने अपनी वाइफ को, मैं अपनी वाइफ से चैट कर रहा हूं, मैंने मैसेज भेजा आई लव यू, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने जैसे ही वो मैसेज भेजा सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे वो इनक्रिप्टेड मैसेज जाएगा, वहां पे एक सिक्योर की है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो सर्वर पे अगर शो होगा आई लव यू शो नहीं होगा, वो शो होगा ASDXFY098 कोड्स, कोडिंग में को उसको रीड नहीं कर सकता सर्वर पे, जो है अगर कोई रीड करना चाहे उसको रीड नहीं कर सकता, वापस भेजना पड़ेगा। क्योंकि अब वो बी जो मेरी वाइफ के पास वो मैसेज पहुंचना है, वो क्रिप्ट होगा, वो मैसेज इनक्रिप्टेड कोड से डिक्रिप्ट होगा और फिर वो मेरी वाइफ के पास आई लव यू मैसेज ही पहुंचेगा। लेकिन जो बीच का जो रास्ता है, सफर है, इसमें किसी को एक्सेस नहीं है कि मेरे मैसेज को पढ़ सके, ना ही तो कंपनी को और ना ही कानून को। ये होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। जितने भी ऐप हैं, व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, तीनों की तीनों एंड टू एंड इंक्रिप्शन इनमें है। ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और मैं एक आपको कमाल की बात बता दूं, सिग्नल जो ऐप है वो व्हाट्सएप के ही कोफाउंडर रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया था। और जो व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन वाला जो काम करता है, कोडिंग करने वाला, ये जो है वो सिग्नल ऐप ही करता है, टेलीग्राम के लिए भी सिग्नल ही करता है। कुल मिला के अगर बात करें, देखिए व्हाट्सएप आप यूज कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी की हालात जैसे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राइवेसी को समझते हुए, यानी कि बड़े बड़े पेटीएम के फाउंडर, और मैं आज ही देख रहा था न्यूज में, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के काफी सारे यूजर्स घट रहे हैं और इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं, जबकि बहुत ज्यादा तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है सिग्नल के काफी सारे अच्छे सेफ्टी फीचर्स। इन सब चीजों को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो सिग्नल में स्विच कर सकते हैं, और कोई किसी तरह का इशू मेरे को नहीं लगता रहने वाला है। हाँ, इन फ्यूचर व्हाट्सएप पेमेंट लेके आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा सिक्योर्ड एक्सेस उसमें थोड़ा सा रह सकता है, वो देखने वाली बात होगी। और जो जितना मुझे लग रहा है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट जो बिजनेस पर्पज से जो भी व्हाट्सएप को यूज करते हैं उन पे इसका कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनके ग्रुप, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके बिजनेस, किस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किस तरह की, वो उन सब पे ज्यादा मॉनिटरिंग रखने वाला है व्हाट्सएप इस न्यू पॉलिसी में। जो पर्सनल यूजर है मेरे जैसे लोगों को व्हाट्सएप की इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट कुल मिला के देखा जाए तो इससे मकसद साफ है, डेटा दो मुनाफा लो, यानी कि व्हाट्सएप डेटा देगा मुनाफा कमाएगी। अल्टीमेटली फेसबुक का मेन मकसद है रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू को बढ़ाना, पैसे को कमाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।